सो हाँ जी गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल हरप्रीत ब्लॉग्स। आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे। आज के वीडियो में हम बात करेंगे हमेशा की तरह स्पाउस ओपन वर्क परमिट कनाडा के अपडेट्स के बारे में, लेटेस्ट प्रीपेयर्स के बारे में। वीडियो अच्छी और इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करके जाना। अगर नए व्यूअर्स हो चैनल पर तो हमेशा की तरह छोटी सी रिक्वेस्ट के नीचे सब्सक्राइब का बटन है, टैप करके वीडियो को बंद करना। तो चलिए गाइस करते हैं वीडियो की शुरुआत। सो गाइस, वीडियो की शुरुआत करने से पहले हम बात कर लेते हैं ओए स्टूडेंट के बारे में। ओए स्टूडेंट एक ऐसी वेबसाइट है या फिर कह लो ऐसा नेटवर्क है जहां से स्टूडेंट्स अपनी अकोमोडेशन फाइंड कर सकते हैं, जॉब फाइंड कर सकते हैं, ट्रैवल पार्टनर्स फाइंड कर सकते हैं। आप देख सकते हो ओए स्टूडेंट की वेबसाइट जिसमें ऑल कैटेगरीज में अकोमोडेशन फाइंड कर सकते हैं, जॉब फाइंड कर सकते हैं, हमें कोई राइड चाहिए उसे भी हम देख सकते हैं, पीआर की फाइल के बारे में या फिर पीपीआर टाइमलाइन, ट्रैवल पार्टनर और भी कोई भी हेल्प चाहिए तो हमें वो मिल सकती है। सो गाइस प्लीज विजिट करो ओए स्टूडेंट वेबसाइट, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। इंस्टाग्राम पर भी आप जाकर इनको फॉलो कर सकते हो, स्टूडेंट के नाम पे इनका पेज है। सो वहां पर भी ये बहुत सारी हेल्प करते हैं, मैसेज करते हैं, बहुत सारी पोस्टेज हैं, आप जाकर देख सकते हो। सो गाइस आज की वीडियो शुरुआत करते हैं हमारी पहली टाइमलाइन के साथ जो 12 जनवरी 2022 की फाइल है। बायोमेट्रिक अपडेट 13 जनवरी 2022 को हुए, अपफ्रंट मेडिकल अपडेट इनका 18 जनवरी 2022 को हुआ एंड पीपीआर इनको 5 जुलाई 2022 को, मतलब कल इनको फाइनली मिल गई। सो बात करते हैं हमारी नेक्स्ट टाइमलाइन की जो 10 फरवरी 2022 की फाइल है। 31 मई को इनका रिव्यू स्टार्ट हुआ था एंड उसके बाद 5 जुलाई को इनको भी पीपीआर मिल गई। उसके बाद बात करते हैं हमारी अगली टाइमलाइन जो 10 फरवरी 2022 की फाइल है एंड 10 फरवरी 2022 को ही इनकी सबमिशन कंफर्मेशन हुई एंड उसके बाद इनका 5 जुलाई 2022 को रिजल्ट आ गया एंड पीपीआर इशू हो गई। सो बात करते हैं हमारी अगली टाइमलाइन की 20 जनवरी 2022 की फाइल है। 3 फरवरी 2022 को बायोमेट्रिक हुए, रिव्यू स्टार्ट इनका 17 मई 2022 को हुआ एंड पीपीआर इनको भी 5 जुलाई 2022 को फाइनली मिल गई। सो उसके बाद बात करते हैं हमारी अगली टाइमलाइन की जो 20 जनवरी 2022 की फाइल है। बायोमेट्रिक क्लियर हुए इनके 25 जनवरी को, मेडिकल पास एक दिन बाद 26 जनवरी को एंड 10 मई को इन्होंने वेब फॉर्म रेज किया था एंड रिव्यू स्टार्ट 17 मई को, गोस्ट अपडेट 16 जून को एंड उसके बाद 5 जुलाई को इनको पीपीआर मिल गया एंड इनका जो वीजा ऑफिस है वो दिल्ली है। सो बात करते हैं हमारी अगली टाइमलाइन की। हेलो, मेरी पीपीआर रिक्वेस्ट आ गई, फाइल है 18 जनवरी 2022 की, बाय गुरु सप्ते मेयर करे। सो वेरी वेरी कंग्रेचुलेशन। सो उसके बाद बात करते हैं हमारी अगली टाइमलाइन की। हाय माई सेल्फ जर्मनदीप, आई एम हैप्पी टू शेयर माई टाइमलाइन। मेडिकल अपफ्रंट था इनका 24 दिसंबर 2021 का एंड उसके बाद 22 जनवरी 2022 को फाइल लॉन्च की, बायोमेट्रिक 2 फरवरी 2022 को, रिव्यू स्टार्ट 2nd week of May में एंड गोल्डन पीपीआर टुडे 5 जुलाई 2022 को। सो उसके बाद बात करते हैं हमारी नेक्स्ट टाइमलाइन। वाहेगुरु जी की कृपा ना मेरी पीपीआर आ गई एंड इनकी जो फाइल डेट है वो भी 20 जनवरी 2022 की, रिसेंटली फाइल थी इसी साल की। सो उसके बाद बात करते हैं हमारी अगली टाइमलाइन की। पीपीआर 11 जनवरी 2022 की फाइल थी एंड इनको भी कल 5 जुलाई 2022 को फाइनली पीपीआर मिल गई। सो बात करते हैं हमारी नेक्स्ट टाइमलाइन की जो 9 फरवरी 2022 की फाइल है। 10 फरवरी को बायोमेट्रिक हुए थे, 23 जून को इनको डॉक्यूमेंट रिक्वेस्ट आई थी एंड उसके बाद 5 जुलाई को, कल इनको पीपीआर फाइनली मिल गई। सो बात करते हैं हमारी अगली टाइमलाइन की जो 8 अक्टूबर 2021 की फाइल है। बायोमेट्रिक क्लियर हुए इनके 29 नवंबर को, मेडिकल रिक्वेस्ट 1 जून को एंड मेडिकल अपडेट 28 जून को एंड फाइनली 5 जुलाई को इनको भी पीपीआर मिल गई। सो गाइस ये थी हमारी आज की वीडियो, अगर अच्छी लगी तो लाइक करके आना, शेयर करके आना। अगर आप मेरी वीडियो डेली देखते हो तो नीचे सब्सक्राइब का बटन है, टैप करके वीडियो को बंद करना। सो मिलते हैं जी अगली वीडियो में बहुत सारी पीपीआर के साथ। टिल देन बाय बाय।